इसको अगर 100 दफा कोई शख्स पढ़ ले, अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सही सही, लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना इस तरह नहीं है कि आप बस पढ़ते जाए, ये है क्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, असल में क्या है? हौल का माना भी कुव्वत है और कुव्वत का माना भी कुव्वत है, ला हौला वला कुव्वत, यूं कह लीजिए ना कोई इज्तिमाई ताकत ना कोई इनफिरादी ताकत, इल्ला बिल्लाह सिवाय अल्लाह के, या ना गुनाह गुनाह छोड़ने की ताकत ना नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह, यानी या तो एक को पॉजिटिव बना ले एक को नेगेटिव बना ले, या एक को इज्तिमाई या एक को इनफिरादी। अब अल्लाह के सामने इसको अपना मसला समझ के ना अपना जो भी मसला है वो सोचे और सोच के अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दे, या अल्लाह मेरी तो कोई ताकत नहीं ना इनफिरादी ना इज्तिमाई इल्ला बिल्लाह, हाँ तू अता फरमाए ताकत तो हो सकती है। यूं मैं इसको कहता हूँ ये बेबसी का कलमा है, बेबस आदमी अपने अल्लाह के सामने बेबसी का इजहार करे इस कलमे के जरिए, सही सही। तो फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा था ना मुझे वसवसे आते हैं जी, आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर, तेरे वसवसे भी खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा अल्लाह ताला तेरे 100 मसले हल कर देगा। वाह वाह, आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें, एक शख्स के 100 मसले होते नहीं है।